जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आपके बीच में खबर लेकर आया हूं आर्मी की जीडी, नॉन जीडी और आपकी क्लर्क और टेक्निकल भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर। और ये वैकेंसी आपकी निकल गई है, इसका कब से अप्लाई होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या आपकी रनिंग होगी, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई भर्तियों से लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये इंडियन आर्मी की रैली भर्ती होती है। जैसे पहले तो इसमें खाली पहले रेस होती थी और बाद में सारी प्रक्रियाएं होती थी, पर भीड़ ज्यादा देखते हुए अब बोर्ड ने कर दिया है आर्मी की तरफ से पहले आपकी परीक्षा होती है। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, वीडियो में बने रहें, बिल्कुल स्किप ना करें, अच्छे से समझ जाइए ताकि आपको फॉर्म भरने के बाद में ये ना सोचना पड़े कि यार ये हमको तो पता ही नहीं था। पूरी वीडियो को अच्छे से समझ लें। देखिए, आपकी जो पोस्ट नेम है और क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लूं तो आपकी तो देखिए एक तो ट्रेड्समैन की है, सोल्जर जीडी की है, क्लर्क की है, टेक्निकल की है, ठीक है। तो ट्रेड्समैन की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड्समैन में आपका 8 पास है, अगर आप 8वीं पास है तब भी चलेगा, 10वीं पास है तब भी चलेगा। आपके पासिंग मार्क्स जो होने चाहिए वो 33% होने चाहिए। कितने? 33%। आप जो है 33% से अगर पास हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। मैं बात करूं सोल्जर जीडी, जो हमारी जीडी की भर्ती होती है, तो उसके लिए 10th पास होने चाहिए, ओवरऑल आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और 33% सभी सब्जेक्ट में होने चाहिए, समझ गए भाई। इसके बाद में क्लर्क की मैं बात करूं तो 12th पास आप होने चाहिए, 60% और ओवरऑल आपके जो है सभी सब्जेक्टों में आपके 50% होने चाहिए, ओवरऑल 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। टेक्निकल की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए पीसीएम ग्रुप में आप होने चाहिए और 40% आपके जो है सभी सब्जेक्ट में मार्क्स आपके होने चाहिए। बात समझ गए होंगे, ये क्राइटेरिया अच्छे से समझ लें, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका, जैसा मैंने पहले बताया, पहले भीड़ भड़क्का बहुत होती थी, लोग मर जाते थे, इतनी भड़क्का वहम। हम भी गए थे एक बार भर्ती देखने बाबूगढ़ छावनी, अमरोहा जिले में बाबूगढ़ छावनी है, वहाँ गए थे तो इतनी भीड़ थी कि घुस नहीं पाए थे, वापस खा पी के ऐसे घर लौट आए। तो आज उस समस्या को जूझते हुए इस समस्या को खत्म किया गया। पहले आपका यहाँ होने वाला है रिटर्न, इसके बाद आपका होगा फिजिकल, ठीक है, डीबी होगा, मेडिकल होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आप जो है आर्मी के सदस्य यहाँ पर बन जाएंगे। और ये अग्निवीर के तहत ही है भैया, ये क्या है, अग्निवीर है, ठीक है, वही 4 साल वाली, परमानेंट नहीं है, 4 साल, 50% परमानेंट किए जाएंगे, बाकी जो है ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। क्लर्क और स्टोर कीपर की मैं बात कर लेता हूं। अब आपका मैं आता हूं, देखिए रिटर्न, जब रिटर्न पहले है तो रिटर्न का सिलेबस भी देखना जरूरी है। तो देखिए 50 क्वेश्चन आपके क्लर्क और स्टोर कीपर के, देखिए 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप जो है क्लर्क या स्टोर कीपर में फॉर्म भरेंगे तो आपका जो है मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, समझ गए। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जीडी और ट्रेड्समैन, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा, समझ गए। इसके बाद में जीके का यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के यहाँ पर 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग का वेटेज कम है, साइंस यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, साइंस और जीके का पोर्शन यहाँ पे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे आपको मेहनत करनी। टेक्निकल की मैं बात कर लेता हूँ तो 50 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के ये भी होंगे, जीके की मैं बात करूँ 5 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग की बात करूँ 5 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स की बात करूं तो 15 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, मैथ की बात करूं तो 15 क्वेश्चन मैथ के भी रहेंगे और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। यहाँ पे साइंस पे ज्यादा जोर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सीधा लिख दिया है पीसीएम ग्रुप टेक्निकल के लिए। तो आप अगर टेक्निकल में फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना साइंस का पोर्शन अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिजिकल की बात कर लेता हूँ। तो देखिए फिजिकल कहने के लिए सब कुछ लिखा होता है, परंतु वहां जब भाग के जो बच्चा आ गया है उसी को क्वालिफाई यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों रनिंग की मैं बात कर लूं तो 1600 मीटर की रनिंग होती है, 5.5 मिनट में अगर आप लगाते हैं तो 60 नंबर आपको यहां पर दिए जाते हैं। 5.5 मिनट से लेकर 5:45 तक सिर्फ 5.25 मिनट का ही समय होता है, जैसा कि अपना आरपीएफ में है, तो 48 नंबर यहां पर आपको मिलते हैं।
पुलअप की मैं बात करूं तो 10 टाइम्स आपको जो है पुलअप लगाने होते हैं खाली, मतलब 40 नंबर के ये भी है। 9 फिट डिच होती है, क्वालिफाई नेचर की होती है, गड्ढा सा होता है, गड्ढे को कूदना होता है, ठीक है, आसानी से कूद जाओगे। जीव जैव होता है, एक इस प्रकार का बना होता है, उसमें उसमें चलना होता है, ठीक है, बैलेंस के लिए देखते हैं वो लोग। तो इसको भी खाली जो है क्वालिफाई नेचर का है। हाइट की मैं बात कर लूँ, हाइट बहुत जरूरी है। अगर आप क्लर्क में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अदर जो भी पोस्ट हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और मैं चेस्ट की बात करूँ तो 77 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है चेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ फ्लाव आपका होना चाहिए। मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 25,000 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकल के आई है। और आप लोगों की जो डेट रहेगी तो वो 17.5 साल से लेके 21 साल तक यहाँ पर रहेगी। एज में कोई छूट मिलने का कोई उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है, एज में छूट नहीं मिलेगी, यही एज आपकी रहेगी। अप्लाई में डेट की बात कर लूँ तो 8 फरवरी से लेके 21 मार्च तक का आपका जो है अप्लाई होगा फॉर्म, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सब कुछ आपके सामने है, जल्द ही इसकी जो है एग्जाम की डेट भी आपके सामने आ जाएगी। जैसे इसकी अपडेट आएगी मैं आपके बीच में एक वीडियो भी लेके आऊंगा और उसमें फिर से बताऊंगा कि आपका एग्जाम किस डेट में है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने सभी भाई बहन में मित्रों में जितना भी हो सके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।